दुर्ग पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें दुर्ग बिलासपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से लगभग 15 करोड़ रुपए कीमत का 18 किलो सोना शातिर चोर के पास से जब्त किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलरी शॉप से पिछले रविवार को एक चोरी हुई थी, जिसके आरोपी शातिर चोर लोकेश श्रीवास को दुर्ग के स्मृति नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोकेश श्रीवास दिल्ली में चोरी करने के बाद छत्तीसगढ़ बिलासपुर फिर दुर्ग में छुपा था, जिसे दुर्ग बिलासपुर पुलिस के द्वारा दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। दिल्ली में हुई लगभग 25 करोड़ की चोरी के बाद चोरों की तलाश करते हुए दिल्ली पुलिस बिलासपुर पहुंची, जहां बिलासपुर से उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिली। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने कवर्धा का लोकेशन बताया, जहां शिवा चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति के ठिकाने पर छापेमारी की गई। शिवा चंद्रवंशी के पास से 23 लाख रुपए नगद मिले, लेकिन जब शिवा चंद्रवंशी को पकड़ने बिलासपुर पुलिस पहुंची थी, तब मुख्य आरोपी लोकेश को इसकी भनक लग चुकी थी। आरोपी लोकेश खिड़की से कूदकर भाग गया, जिसके बाद पतासाजी करने पर लोकेशन दुर्ग मिल रहा था। दिल्ली और बिलासपुर पुलिस ने दुर्ग पुलिस से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि लोकेश स्मृति नगर के एक मकान में छुपा हुआ है। पुलिस ने तत्काल लोकेश श्रीवास को भिलाई के स्मृति नगर से धर पकड़ा। फिलहाल चोरों के पास से पुलिस ने 100% माल बरामद कर लिया गया है, तो वहीं अब दुर्ग पुलिस द्वारा बिलासपुर पुलिस को और फिर बिलासपुर से दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर लोकेश श्रीवास को दिल्ली रवाना होगी। फिलहाल दुर्ग पुलिस, बिलासपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त विवेचना जारी है। आपको बता दें कि शातिर चोर लोकेश श्रीवास सोने के गहने चुराने का ही आदी है, और वह चोरी भी करता है तो छोटी मोटी चोरियां नहीं करता, करोड़ों रुपए के सोने के जेवर ही चुराता है। लोकेश श्रीवास के खिलाफ दुर्ग में पहले भी कई मामले दर्ज हैं। लगभग 2 साल पहले दुर्ग के ज्वेलरी शॉप में लगभग 3 करोड़ की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने इसे मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल एक बार फिर लोकेश श्रीवास ने दिल्ली में लगभग 15 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के जेवर पर हाथ साफ किया है। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार 2 शुक्रवार को एक अज्ञात चोर द्वारा 5-5 दुकानों में एक साथ सड़क तोड़कर चोरी की गई थी, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे चोर को पकड़ने के लिए, जिस पर ACCU की टीम और सिविल लाइन टीम एक साथ कार्य कर रही थी। फुटेज खंगालते हुए उसके घर कवर्धा तक पीछा किया पुलिस द्वारा और उसके यहाँ रेड की गई, और रेड करने के बाद वो भागते हुए स्मृति नगर पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से 18.5 किलो सोना और 12.5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। इसके द्वारा अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, इसलिए अलग अलग राज्यों से पुलिस आई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।